ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। राजशेखर एकदम से बौखला गए थे। दर्श ने कहा, क्या हुआ, आप उस राक्षस के बारे में कुछ जानते हैं क्या? राजशेखर ने बात पलटते हुए कहा, तुम एक काम करो, तुम इस आदमी के घाव पर पट्टी बांधने में उसकी मदद करो। दर्श ने पूछा, मैंने आपसे कुछ पूछा, आप मेरी बातों को इस तरीके से झुठला नहीं सकते। राजशेखर ने कहा, बताता हूं, पहले तुम पट्टी बांधने में उसकी मदद करो। दर्श ने कहा, अरे। दर्श जैसे ही आगे कुछ बोलने लगा, राजशेखर ने उसकी बात को काटते हुए कहा, मैंने कहा ना, पहले उसकी मदद करो। दर्श ने बिना संकोच किए उस आदमी के घाव पर पट्टी बांध दी थी। दर्श ने उस जख्मी आदमी से कहा, आप इस पेड़ के सहारे बैठ जाइए और आराम करिए। उस आदमी ने दर्श को अच्छे से पहचान लिया था कि ये वही लड़का है जिसने राशि के साथ बदसलूकी की थी और जो प्रथम के बनाए हुए आकर्षण को तोड़कर भागने में कामयाब हो गया था। लेकिन दर्श को राजशेखर के साथ देख उस आदमी ने ज्यादा कुछ कहा नहीं, वो बस चुपचाप टूटे हुए पैर के दर्द को सहन कर रहा था। दर्श उस आदमी के घाव के इलाज में लग गया था। वर्ल्ड स्पिरिटस होने के नाते घाव का इलाज करना दर्श के लिए आम बात थी। पलक झपकते ही दर्श ने उस आदमी के घाव पर पट्टी बांध दी थी। लेकिन वो आदमी जोर से बोला, तुम तो। दर्श जान गया कि ये आदमी उसे पहचान गया है। राजशेखर ने मुड़कर देखा, अगर वो आदमी राजशेखर के सामने कुछ भी बोलता तो दर्श बुरी तरह से फंस जाता और दर्श ऐसे इल्जाम में फंसता जो उसने किया ही नहीं था। और फिलहाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात थी आरुषि और बाकी सबको राक्षसों से बचाना। दर्श अपनी बेगुनाही बाद में भी साबित कर सकता था, इसलिए दर्श ने तुरंत ही उस आदमी को अपनी यूनिवर्स बैग में से गोली निकाल कर दी, जिस गोली से शरीर में हो रहा दर्द कम होता है। उसे वाकई में अमृत की दवाई कहा जाता है। ये एक ऐसा अमृत है जो लोगों को बेहोश भी कर सकता है और बेहोशी की हालत में यह दवाई अमृत की गोली घाव को जल्द ठीक कर देती है। दर्श ने इस दवाई का उपयोग शायद पहली ही बार किया था, पर वो इसके असर से काफी प्रभावित था। दर्श ने कहा, अब मुझे पता चला कि अमृत की गोली वाकई में बहुत असरदार है। इसे लेने के कुछ देर बाद ही उस आदमी को नींद आने लगी और वो सीधा कोमा में चला गया। उस आदमी को सुलाने के बाद दर्श तुरंत खड़ा हुआ और राजशेखर की ओर बढ़ा और कहा, अब बताइए, आखिर क्या बात है? क्या आप काल राक्षस के बारे में जानते हैं? उस एक राक्षस का इतने सारे मार्शल आर्टिस्ट मिलकर भी सामना नहीं कर पाए, यहाँ तक कि सुप्रीम पैलेस का नंबर एक शिष्य प्रथम भी। ऐसी क्या बात है उस राक्षस में, मुझे बताइए, मैं जानना चाहता हूँ, आखिर ये काल राक्षस है कौन? राजशेखर ने बात काटते हुए कहा, वो राक्षसी पहाड़ों के 5 राक्षस राजाओं में से एक राजा है, उसका नाम काल है, काल किंग। दर्श हैरान हो गया और बोला, क्या, काल किंग? दर्श ने स्वाभाविक रूप से 5 राक्षस राजाओं के बारे में सुना था, लेकिन दर्श उन राक्षस के राजाओं का नाम नहीं जानता था। लेकिन दर्श इतना जरूर जानता था कि वे उस राक्षस पहाड़ी के शासक थे और वो पहाड़ी राक्षसों के 5 सबसे बड़े शक्तिशाली जंगली राक्षस थे। राजशेखर ने कहा, चीजें अब आसान नहीं होने वाली है। इस ट्रेनिंग की व्यवस्था हमारे सुप्रीम पैलेस के द्वारा की गई थी और जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे वो भी 9 आइलैंड के सबसे सर्वश्रेष्ठ जूनियर्स थे। अगर उनमें से किसी को कुछ भी हो जाता है तो सुप्रीम पैलेस उनका ख्याल रखेगा, लेकिन मैं अकेला अब ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। राजशेखर का चेहरा काफी निराश हो चुका था, लेकिन दर्श जान गया था कि राजशेखर अपनी पोती आरुषि के बारे में चिंतित थे। इसके साथ दर्श को एक बात खाए जा रही थी, वो ये थी कि आखिर राजशेखर अपनी पोती आरुषि के बारे में इतना क्यों चिंतित थे। दर्श भी अनुमान लगा सकता था, हालांकि दर्श ने काल किंग को नहीं देखा था, लेकिन दर्श ने कहीं पर यह सुना था कि राक्षसों के बीच में कुछ राक्षस ऐसे होते हैं जिनमें बेहद कामों की इच्छाएं होती है। ये राक्षस बड़े ही मजबूत होते हैं और उन्हें इंसानों के बीच मौजूद सुंदरियां काफी पसंद होती है। कई जगह पर तो ऐसा भी सुना है कि राक्षसों ने कई सुंदरियों का बलात्कार भी किया है। सभी राक्षसों में से एक काल किंग भी ऐसा ही राक्षस है जो काफी हद तक खूंखार और बदनाम राक्षस रहा है। इसलिए ना केवल राजशेखर अकेले आरुषि के लिए चिंतित हैं, बल्कि दर्श भी आरुषि के लिए उतना ही चिंतित था। काल जैसे राक्षस स्वाभाविक रूप से हवसी होते हैं और आरुषि बेहद सुंदर खूबसूरत लड़की थी। हालांकि आरुषि जब काल किंग द्वारा पकड़ी गई थी तो वो हैवान आरुषि को उतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। आरुषि के साथ और भी लड़कियों को काल किंग ने पकड़ा था, लेकिन आरुषि के सामने किसी भी लड़की की सुंदरता नहीं दिखती है, ये बात दर्श जानता था। अपने शरीर में डिवाइन पावर को अनलॉक करने की उसके पास एक ही चाबी थी और वो थी आरुषि। दर्श ने पूछा, राजशेखर जी, अब जब हम जानते हैं कि इन सब तबाही के पीछे काल किंग का हाथ था, ये सब उनकी चाल थी,
तो आपको क्या लगता है कि आरुषि और बाकी सब लोगों को इस वक्त उस राक्षस ने कहां पकड़ के रखा होगा? राजशेखर ने कहा, पांच राक्षस राजा पांच अलग अलग क्षेत्रों में राज करते हैं और इन सभी क्षेत्र के कंट्रोल ये पांच राक्षस राजा ही करते हैं। अगर तुमने सही अनुमान लगाया तो आरुषि और बाकी के लोगों को वहीं रखा होगा जहां अभी काल किंग खुद रहता है। काल किंग अपनी खतरनाक गुफा में रहता है जहां पहुंचना इतना आसान नहीं है। दर्श ने आग्रह करते हुए कहा, काल किंग की गुफा? तो राजशेखर जी आखिर इंतजार किस बात का है? हमें जल्द ही उन्हें बचाने जाना होगा। राजशेखर ने कहा, बच्चे तुम्हें क्या लगता है, ये कोई आम गुफा नहीं है कि जब मन किया तब चले गए। ये काल किंग की गुफा है, वहां जाना इतना आसान नहीं है। यहां तक कि मुझे ये भी नहीं मालूम कि काल किंग की गुफा आखिर है कहां। अगर हमें पता भी होता कि पांच राक्षस राजाओं की गुफा कहां है तो भी हम उन पर हमला नहीं कर पाते। दर्श ने कहा, क्या उन सभी की गुफाओं को चारों तरफ से घेर कर उसे नष्ट नहीं कर सकते? दर्श राजशेखर की परेशानी जान गया था। उसे भी आरुषि की चिंता थी और साथ ही वहां कैद सभी लोगों की भी चिंता थी। और राजशेखर वैसे इस राक्षसी पहाड़ से वाकिफ थे लेकिन उन्हें काल किंग की गुफा के बारे में नहीं पता था क्योंकि वो एक रहस्यमय गुफा थी। इसके बारे में शायद सुप्रीम पैलेस में कोई नहीं जानता था। राजशेखर के पास बहुत कम समय था। दर्श ने राजशेखर से कहा, मैं जानता हूं कि काल किंग की गुफा कहां है। राजशेखर ने हैरानी से पूछा, क्या तुम जानते हो? ये मजाक का समय नहीं है। दर्श ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं वाकई में जानता हूं कि काल किंग की गुफा कहां है। ये सुनते ही राजशेखर के हाव भाव बदल गए। उनको दर्श के इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। दर्श पर विश्वास करने के बजाय राजशेखर दर्श को शक की निगाहों से देखने लगे क्योंकि राक्षसी पहाड़ की ऐसी जगह जिसके बारे में वो नहीं जानते उसका पता दर्श को कैसे हो सकता है। दर्श ने कहा, मैं सच में जानता हूँ कि काल किंग की गुफा कहाँ है, मेरा विश्वास करो। एक बार जूनियर ने निश्चित स्थान पर एक नक्शा देखा था जिसमें राक्षसी पहाड़ पर एक नीले रंग का निशान लगा था। नक्शे में पांच अंडरग्राउंड किले हैं और मुझे लगता है कि ये पांच अंडरग्राउंड किले पांच राक्षस राजाओं की गुफाएं होंगी। दर्श ने राजशेखर के सामने ऐसे अपनी बात रखी जिससे उन्हें दर्श पर शक ना हो क्योंकि दर्श ये बात नहीं बता सकता था कि उसके पास पहले से ही अपने दिमाग में इस राक्षसी पहाड़ का मैप है जो उसे असुरा घोष टावर में कैद मानव रूपी राक्षस ने दिया था। राजशेखर ने कहा, क्या तुम सच कह रहे हो और तुमने ये सब कहां देखा? दर्श ने कहा, मैंने इसे लकी आइलैंड के पुराने अवशेषों में देखा है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं आपको भविष्य में उन अवशेषों को देखने वहां ले जाऊंगा लेकिन इस समय आरुषि और उसके साथ फंसे बाकी सब की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। भले ही आप श्योर ना हो, भले ही आपको मुझ पर विश्वास ना हो रहा हो लेकिन आपको मेरा विश्वास करना ही होगा। इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। आप चाहो तो इसे आजमा सकते हो। आजमाओगे? दर्श ने इतनी सफाई से झूठ बोला जैसे कि वो सब सच कह रहा हो। केवल दर्श ही जानता था कि वो झूठ बोल रहा था। हालांकि राजशेखर बहुत सतर्क थे। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, ठीक है, मैं एक बार तुम पर भरोसा करने को तैयार हूं। बताओ क्या करना है और कौन सा रास्ता लेना है। राजशेखर की इस बात से दर्श ने चैन की सांस ली। दर्श राजशेखर को मनाने में कामयाब हो गया था। दर्श ने कहा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें जल्द ही काल किंग की गुफा में जाना चाहिए। राजशेखर ने मुड़कर उस आदमी की ओर देखा जिसका दर्श ने इलाज किया था। वो आदमी दर्श की दी हुई गोली खाकर बेहोश हो गया था। दर्श ने कहा, राजशेखर जी मैंने उसे दवाई दी है, नींद के साथ उसके घाव भर जाएंगे और ये ठीक हो जाएगा। राजशेखर ने उस आदमी के आसपास एक आकर्षण बनाया और बिना समय गवाए राजशेखर दर्श को लेकर आसमान में काल किंग की गुफा की ओर निकल गए। राक्षसी पहाड़ बहुत ही बड़ा है और उसका जंगल उतना ही गहरा। ऊपर हवा में उड़ते हुए राक्षसी पहाड़ को साफ तरीके से देखा जा सकता था। इसके अलावा दर्श एक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट है और दर्श को दिशा की गहरी समझ तो है ही। और इसके साथ ही दर्श के पास राक्षसी पहाड़ का वो मैप है जो शायद किसी के पास नहीं है। लेकिन सवाल ये था कि क्या दर्श के नक्शे पर भरोसा कर सकते थे? इस बात पर कोई शक नहीं था कि दर्श राजशेखर को उसी मैप के हिसाब से ले जा रहा था। लेकिन दर्श भी उस मैप की दिशा में पहली बार जा रहा था। वो खुद नहीं जानता था कि उस मैप पर कितना भरोसा कर सकते हैं। राजशेखर के साथ आसमान में उड़ते ही दर्श ने उस छुपी हुई गुफा को ढूंढ निकाला। राजशेखर और दर्श किसी की नजर ना पड़े इस तरह नीचे जमीन पर उतरे
और छिपते हुए आसपास देखने लगे। राजशेखर और दर्श ने देखा कि वो जहां उतरे थे वहां पेड़ पौधे कम और पत्थर ज्यादा थे, जैसे कोई पत्थर का जंगल हो जिसमें अलग अलग प्रकार के और साइज के पत्थर थे। इस पत्थर के जंगल में कई राक्षस घूम रहे थे, जिनमें से दो श्रेष्ठ क्षेत्र के राक्षस भी थे। वो राक्षस जंगल में यहां वहां घूम रहे थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि वो यहां पहरा दे रहे हैं। राक्षस के हलन चलन से ये साबित हो गया था कि उसी जंगल के आसपास कहीं काल किंग की गुफा थी, और न इस जगह की रक्षा करने के लिए इतने शक्तिशाली राक्षस मौजूद नहीं होते। दर्श ने फुसफुसाते हुए कहा, राजशेखर जी हम पहुंच गए, मुझ पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया। इस वक्त राजशेखर और दर्श दोनों ही उस पत्थर वाले जंगल में छिपे हुए थे। राजशेखर ने गर्व से कहा, सच में तुम बहुत काबिल हो, मुझे वाकई तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बच्चे, ये बिल्कुल आसान नहीं है। आखिर तुमने ये किया कैसे? इतनी छोटी उम्र में तुम पहले से ही ब्लैक रोब वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट हो और तुम इतने शक्तिशाली हो। वैसे इतना समय बीत गया, लेकिन बच्चे मैंने तुमसे अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? ये सुनते ही दर्श एक पल के लिए घबरा गया और इस सवाल के बारे में लंबे समय तक विचार करने लगा। दर्श राजशेखर से बहुत ही संभल कर रहता था, क्योंकि उसने उसकी ताकत देख ली थी। दर्श उसके सामने झूठ नहीं बोल सकता था। ज्यादा समय ना गंवाते हुए दर्श ने उस वरिष्ठ राजशेखर जी से कुछ भी नहीं छिपाने का फैसला किया और हिम्मत से कहा, मेरा नाम दर्श है। राजशेखर ने कहा, दर्श बहुत अच्छा नाम है, बस ऐसे ही मार्शल आर्ट्स में आगे बढ़ते रहना, पर सावधानी से। और अचानक राजशेखर अजीब तरह से मुस्कुराए। दर्श को कुछ अजीब सा लगा। उसने कहा, बुजुर्ग राजशेखर जी आपका क्या मतलब है? दर्श थोड़ा घबरा गया। दर्श को एहसास हुआ कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है और दर्श ने अपने कदम पीछे ले लिए। दर्श को राजशेखर के मुस्कान में कोई चाल नजर आ रही थी। राजशेखर ने कहा, अरे क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? राजशेखर ने अपना एक हाथ दर्श के कंधे पर रखा और मौका देखते ही राजशेखर ने दर्श को उन राक्षसों के सामने धक्का दे दिया जिन राक्षसों से अब तक दर्श और राजशेखर छिपकर बैठे थे। दर्श को राक्षसों ने चारों ओर से घेर लिया था। राजशेखर छुपकर दर्श को देख रहे थे। आखिर राजशेखर ने दर्श के साथ ऐसा क्यों किया? क्या राजशेखर की ये कोई नई चाल थी? क्या राजशेखर ने सिर्फ इस गुफा तक पहुंचने के लिए दर्श का उपयोग किया? क्या दर्श इन राक्षसों का सामना अकेले कर पाएगा? आगे क्या होने वाला था दर्श की जिंदगी में, जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।